Students, this is Amok Marsing. I'm a science teacher from SAS schools, Shantiniketan, Jubilee School, Motihari. I'm going to teach you, today we are MCQ, and we are going to teach MCQ. And these chapters have a case, then chapter 2, different lifestyles of animals, we have dog. Different lifestyles of animals, these chapters we have taught. We have taught in these chapters? In this chapter, we have taught movement in different types of animals, as for movement in birds, movement in fish, movement in amphibians, moments in reptiles, and migration. Migration ke baare mein bhi pad chuke hain. माइग्रेट कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो कि साल में दूसरे जगह पर चले जाते हैं और पुनः जो है जैसे विंटर खत्म होता है वह पुनः अपने प्रदेशों में आ जाते हैं, जैसे सिबेरियन बर्ड्स हो गया। एज पर उसके ब्रीथिंग सिस्टम, सब जानवरों का ब्रीथिंग सिस्टम सब अलग अलग होता है। जैसे कुछ जानवर जो गिल से सांस लेते हैं, जिस हो गया फिश हो गया, ब्रेथिंग इन फिश, ब्रेथिंग एम्फीबियन, ब्रेथिंग रेप्टाइल्स, ये सब का अलग अलग हो गया। फिर फीडिंग हैबिट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जानवरों के फीडिंग खाने के जो तरीके होते हैं अलग अलग होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हार्बिवोरस होते हैं। हार्बिवोरस वैसे जानवर को बोला जाता है जो कि पेड़ पौधों खाते हैं। एनिमल दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस वैसे होते हैं जो दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट्स अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोरस। जैसे टाइगर हो गया, लायंस हो गया, ये जो ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को मारकर खाकर अपना भोजन मतलब पेट भरते हैं। ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, मांस मछली और पेड़ पौधे ये सब खाते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि कतरने वाले होते हैं, जैसे चूहा वगैरह होता है जो कि अनाज वगैरह को कतर कतर कर खाता है। इंसेक्ट बॉडी कवरिंग, कुछ इस चैप्टर में हम लोग बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़े हैं। सबका जो बॉडी कवरिंग अलग अलग होता है जानवरों का। फीडर्स बर्ड्स होते हैं, वो फीडर्स होता है जो कि उसको मदद करता है उसको उड़ने में। स्केल्स होते हैं कुछ जानवरों को जो कि क्या बताता है, स्केल्स है फीस कवर, उसके मछली वगैरह के ऊपर कवर रहता है जो कि उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है पानी वगैरह को। शेल्स वगैरह हो गया, फर उस ऐसे भी कुछ परकोपाइंस ऐसे भी जानवर होते हैं जो उसके चारों तरफ जो कांटेदार बना हो रहता है, जबकि अभी भी जो उसके कोई इनमें शत्रु उस पर अटैक करता है भी अपने पूरे जो ना कांटे को पूरे शरीर में फैला देता है, जिससे जो ना अटैक नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम लोग जो ना इस चैप्टर में आज जो ना विशेषकर इस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को जो बुक उपलब्ध नहीं है इसीलिए जो ना यहाँ पर कुछ जो ना क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख दिया गया है जो कि आप लोग वन बाय वन करके इसको समझकर अपने आप को समझ सकते हैं। जैसे विच ऑर्गन्स हेल्प द फिश टू मूव फॉरवर्ड वाटर, कौन सा जो ना मछली का कौन सा जो अंग होता है जो कि मदद करता है पानी में आगे तरफ बढ़ने में मदद करता है। तो गैस तो सांस लेता है, इसलिए यहाँ पर टेल्स एंड फिन इज द राइट आंसर। टेल्स एंड फिन हो जाएगा सेकेंड नंबर, बी नंबर हो गया। पेयर ऑफ फिन्स तो होगा नहीं, पेयर ऑफ फिन ये सब नहीं होगा, इसलिए सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर जो है टू इनहेल एयर, बर्ड्स हैव स्मॉल होल्स, बर्ड्स हैव स्मॉल होल ऑन बोथ साइड्स। कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिसके दोनों तरफ होल रहता है, जिसके दोनों तरफ छिद्र रहता है ऑफ देयर बी चोंच में, उसको क्या बोला जाता है, तो नियर्स होते हैं। नियर्स एवं दोनों तरफ जो होल रहने वाले छिद्र को उसको नियर्स कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच एनिमल है क्विल्स, किस जानवर के पास जो कांटेदार ऑन इट्स बॉडी उसके शरीर में
टू प्रोटेक्ट, मदद करता है इटसेल्फ, उसको सुरक्षित करने में मदद करता है। तो ये दोनों फर्क उपाय, अभी जस्ट हमने इसका चर्चा किया कि अपने बॉडी को ऊपर सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए एक कांटेदार जो है ना रूप धारण कर लेता है, जिससे उसकी नेमी जो है ना इस पर अटैक नहीं कर पाते। और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन हुआ वे है विच एनिमल्स दैट हैज सेल, इस एनिमल के पास क्या होता है सेल होते हैं, इट्स बॉडी कवरिंग किस बॉडी के पास होता है सेल। तो यह बॉडी कवरिंग्स जो होते हैं सेल का काम जो करता है वी जो हो गया आपको प्रोटेक्स यानी कि टर्टल्स, टर्टल इज द राइट आंसर, टर्टल इज द राइट आंसर। द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर फिल्ड विथ एयर, द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर फिल्ड विथ एयर, यहाँ पर बर्ड्स इज द राइट आंसर, इसका बर्ड्स राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्त इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, और जो ना फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग देखिएगा इसको, अभी जस्ट हम इस पर चर्चा कर दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं।